आई एम आयशा, और ये देखिए यहाँ पर मेरी बुक्स वगैरह है। आराम से बैठे रहो, और जब नेक्स्ट बुक लेनी हो तो रजाई से निकलो तो फिर मज़ा नहीं आता। और उधर देखिए, आज मेरे रूम में गद्दा आ गया है, क्योंकि मेरी हॉस्टल की और मेरी सिस्टर वगैरह आने के लिए बोलती हैं, तो फिर आराम से रह सकती हैं मेरे पास। और मैंने आज रजाई का कवर भी ख़रीदा है, तो ये देखिए मेरा कबाड़ खाना। लेकिन मैंने अपने अपने अकॉर्डिंग इसे अच्छे से मैनेज किया है। उधर देखिए मेरे पास अलमीरा नहीं है, और मेरे पास फ्रिज वगैरह था, मैंने ख़रीदा था, लेकिन मैंने दे दिया किसी, अपने सिस्टर को दे दिया। और ऊपर बनने ने चाहा आप लोगों की दुआ रही तो मैं एक अच्छा सा घर खरीदूँगी, लेकिन अभी नहीं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद। अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज के लिए अपना बैग सेट करने, और बहुत सारा वीडियो होता है, हम लोग हॉस्पिटल में रहते हैं ड्यूटी करने के लिए, लेकिन मैं वो सारी वीडियोज़ अभी नहीं अपलोड करती, बाद में करूँगी, क्योंकि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता कि हम लोग कुछ। अभी भी पता है, अगर 12 बजे तक भी जगेंगे ना, तब भी काम नहीं ख़त्म होगा, पढ़ाई नहीं ख़त्म होगी। और देखिए ये देखिए, ये पूरा मेरा मेडिसिंस वगैरह किस तरह से। लेकिन ये जो लाइफ है ना मेरी, ये बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ना कोई बदतमीज़ पर्सन नहीं है, कोई ख़राब लोग नहीं हैं, सब अच्छे हैं, सब बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करने वाला नहीं है, और कोई मेरे ऐसे रिलेटिव्स नहीं हैं जिन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए। तो किसी को मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वक्त बहुत बड़ा है और वक्त में बहुत ताकत होती है। आज किसी और की बेटी, कल आपकी बेटी, तो ऊपर वाले पे छोड़ दो, ऊपर वाला आपको अच्छे से बताएगा। और जिसने भी मुझे बहुत गाली दी है, और कुछ गंदे गांव वाले, बहुत गंदे गांव वाले, वो लोग मतलब उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, किसी चीज़ का तौर तरीका नहीं था, और किसी चीज़ का, लेकिन आई डोंट केयर, मुझे उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, और उन्हें खुद ही समझ में आएगा, जो जिसके साथ जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। आप जैसे अपने बच्चों को संस्कार देंगे, जैसे अपने बच्चों को सिखाएंगे, वही होगा। अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो आपके बच्चे वही करेंगे जो आपने किया है। तो सबसे फर्स्ट टीचर होती है माँ। मैं अपने मम्मा का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे संस्कार दिए हैं। थैंक यू मम्मा।